नमस्कार, डीएसजी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी गतिविधियां शुरू कर दी है। लगातार जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव जनसभा कर रहे हैं, प्रेस को आमंत्रित कर रहे हैं, तमाम होटलों में प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। पप्पू यादव लगातार चुनाव अभियान और चुनाव प्रचार को लेकर नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साध रहे हैं। आज उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश सरकार 15 साल के कामकाज का हिसाब दे, जनता कामकाज का हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी जो गठबंधन हुई है वो सबसे मजबूत गठबंधन है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जड़ से उखाड़ने के लिए हम काफी हैं। पप्पू यादव ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान और क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनाते हैं। ये वो नीतीश बाबू हैं और फिर 2015 के बाद लालू यादव जी का भेद पकड़े, इसी में चुनाव लड़े। जंगल राज से बड़ा माफिया राज, आप इतिहास उठा के देख ली। एक बहन और बेटी सुरक्षित है, हमने तो संकल्प दिया, पत्र दिया, 30 साल बनाम 3 साल। और मैंने कहा 3 महीने के अंदर हमारे बिहार की एक भी मां, एक भी बेटी, एक भी बहन 40 किलोमीटर अकेले साइकिल और स्कूटी से बाजार जाएगी। यदि कोई देख भी लिया तो हम अपनी राजनीति का अंतिम दिन करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान में और बिहार में बेटियों की आजादी की, पहली बात। दूसरी मेरी है बेईमान, दलाल, भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया, चाहे वो दारू माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, चाहे बालू माफिया, 6 महीने के अंदर या तो हम रहेंगे बिहार में या तो ये छोड़ देगा। यदि 6 महीने के अंदर या ना छोड़ा तो हम रिजाइन करके चले जाएं। हम तो संकल्प और शपथ पत्र के साथ आए, नीतीश दोनों शपथ पत्र, विपक्ष दोनों शपथ पत्र। और तीसरा संकल्प है 2 साल के अंदर, चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, हिंदू हो या मुसलमान, एक दंगा 2 साल के बाद इंटायर बिहार में हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा, पति पत्नी का घर छोड़ करके हर घर के आगे सीसीटीवी कैमरा, पदाधिकारी नेता के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा, और मैंडेटरी कर देंगे बाजार में और उसकी वैलिडिटी डेट होगी 4 महीना। और वो मुझे चाहिए, अन्यथा मैं कैंसिल करूंगा। और जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर किसी जाति और धर्म और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा आज परेशान है, वो कमजोर तबका, अत्यंत पिछड़ा और दलित, जो सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार है, दलित, चाहे वो बलात्कार का हो। पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की, लगातार खुद के अलायंस के भीतर, एनडीए के भीतर एक दूसरे के लिए चुनौती है। मुझे समझ में नहीं आता, ये चित भी मेरी, पट भी मेरी। चिराग पासवान जी को वो खिला रहे हैं या नीतीश कुमार जी को औकात बता रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन, शायद उनको गलतफहमी है बहुत ज्यादा। जब चुनाव आता है तो उनके मन में बैकवर्ड फॉरवर्ड और मुसलमानों की रहनुमाई की बात, बीजेपी की बात, मैं जब देखता हूं इन लोगों के बयान को तो कभी बीजेपी के खिलाफ आज तक इन लोगों का बयान मैंने नहीं देखा। एनआरसी जैसा मुद्दा दुनिया के लिए चुनौती थी, पूरी दुनिया चिंतित थी। 160 सभा हमने पूरे भारत में की। ये लड़ाई किसी मुसलमान और हिंदू की नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की थी, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की थी, हिंदुस्तान के लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की थी, हिंदुस्तान के उस कमजोर तबके को बचाने की जो हिंदुस्तान का निर्माण किया, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, या तपोभूमि वाल्मीकि की है, बिरसा मुंडा की, यह संघर्ष की भूमि रही है, यह सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम की भूमि। हम नफरत के आधार पर भारत की उन्नति कर नहीं कर सकते।